हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए इस वीडियो में जानते हैं इंटेंस का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि इंटेंस वर्ड का हमें सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है। वीडियो के एंड में बताया गया है कि इंटेंस वर्ड के सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंटेंस की प्रोनाउंसिएशन है Intense का मतलब होता है having a very strong effect or felt very strongly। किसी चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ना या बहुत दृढ़ता से किसी चीज को महसूस करने को हम इंटेंस कहते हैं। Someone whose intense is serious and has very strong feelings or opinions। जब किसी व्यक्ति के लिए इंटेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब है कि वह बहुत गंभीर है और किसी चीज के बारे में बहुत मजबूत भावनाएं या राय रखता है। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं विद द वर्ड इंटेंस। ही सडनली फेल्ट एन इंटेंस पेन इन हिज बैक। ही सडनली फेल्ट एन इंटेंस पेन इन हिज बैक। उसे अचानक अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। यंग पीपल टूडे आर अंडर इंटेंस प्रेशर टू सक्सीड। Young people today are under intense pressure to succeed। आज की युवा पीढ़ी पर सफल होने का अत्यधिक दबाव है। The pain was so intense I could not sleep। The pain was so intense I could not sleep। दर्द इतना तेज था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। The president is under intense pressure to resign। The president is under intense pressure to resign। राष्ट्रपति पर इस्तीफा देने का भारी दबाव है। तो साधारण शब्दों में इंटेंस का मतलब होता है अत्यधिक, तेज, तीव्र, प्रचंड, प्रबल या बहुत तेज। तो आइए हम इंटेंस के सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मजबूत भावनाएं, फियर्स भयंकर, एक्सट्रीम चरम, आर्डेंट तीव्र। वहीं इंटेंस के एंटोनिम्स या ऑपोजिट शब्द होते हैं काम शांत। तो जहां एक और इंटेंस का मतलब होता है तेज और तीव्र, वही उसका ऑपोजिट वर्ड है काम यानी शांत। जेंटल सज्जन, डल सुस्त, माइल्ड हल्का। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप इंटेंस शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स and stay happy।